चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के अब तो अभी आफ्टरनून होने ही वाला है, 12 बजने वाले, थोड़ा सा लेट निकल गया आज, बट आज अनदर संडे, सो आज अनदर संडे है, सो दैट मीन्स दैट कि हम बाहर कहीं जा रहे हैं, मोटो ब्लॉग होगा, थोड़ा सा खाना पीना होगा, ट्रैवलिंग होगा और थोड़ा सा ब्लॉग करेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर ही देते हैं। मुखिया पहुंच गए, यहाँ से हम लोग चलेंगे राइट। होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे। बारिश बारिश नो, क्योंकि एज पर वेदर न्यूज भाई आज तो बारिश है नहीं, बट अगर बारिश हुई तो फिर वाट लग जाएगी और पूरा का पूरा प्लान चौपट सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं कल निकलूँ आफ्टरनून में, बट हो नहीं पाया बिकॉज पूरा दिन बारिश होता रहा। सो आई हैड टू पोस्टपोन फॉर टुडे एंड होपफुली ना हो, अगर हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सो लेट्स होप गॉड कि ना हो। सो लेट्स सी, यार आते वक्त ना एक गलती होगी मेरे से, मैं थोड़ा सा वर्म क्लोथ लाना ही भूल गया। अब लगेगी वाट जब पहुँचेंगे, नहीं जब पहुँचेंगे वापसी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ठंड होगी बहुत ज़्यादा। अब द ओनली शील्ड दर है इज़ माई रेनकोट, होपफुली भाई रेनकोट संभाल ले, ज़्यादा नहीं संभालेगा। अरे भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, कपड़ा लेके नहीं आया, बहुत ठंड लग रही है अब तो बाइक में। चलो लेट्स सी, अब तो आ ही गए हैं, सो कोई ऑप्शन है नहीं है, ऐसे जो देखो साइड में ना मार्केट लेके बैठते हैं, इतना फ्रेश होता है ये वेजिटेबल्स, क्योंकि जो घर के सामने इन्होंने स्टॉल रखा हुआ, और इसके वजह से इट्स चीप, नॉट दैट चीप बट इट्स एक्चुअली वेरी वेरी फ्रेश, तो ये सही चीज़ है। साहब लगता है गॉड ने सुन ली हमारी, धूप निकल आ रखी हुई, मस्त मज़ा आ गया। ऐसा ही रहे वेदर, शाम तक रहे बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर सब कुछ मच हो जाएगा एकदम बेकार सा, यू नो वैली धूप एकदम चमचमा के लगी है, और इस धूप में वैली क्या लग रहा है, ये मेरिक वैली है। अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं वो है मिरिक, और यहाँ पे ना टी गार्डन्स के वैली है, और आपको मैं थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि आज धूप बहुत सही लगी है, चमचमा रही है एकदम मस्त, चमचमाती धूप में ना वैली इतना सही दिख रहा है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा यूं। चलो भाई फाइनली टिंगलिंग फटक पहुंच गए, जैसे बोला था धूप लगी है और मस्त दिख रहा है एकदम वैली। चलते आगे कंटिन्यू करते, टी गार्डन के घाटियों के बीच से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी नोलडाड़ की तरफ। नोलडाड़ा पहुंचेंगे, इसको भी क्रॉस कर डालेंगे, क्रॉस करके पहुंच जाएंगे मुक्ति खोला में। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी बॉस, और अभी से गर्मी लग गई,
और मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 डिग्रीज का तो डिफरेंस है ही, इतना तो लग ही रहा है, क्योंकि मानीवंजंग में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे टेम्परेचर दिन का टाइम आई थिंक अराउंड 21-22 के आसपास है, तो यहाँ पे आई एम श्योर कि 30 के आसपास तो रह गई। कैमरे में कैप्चर होगा नहीं होगा, बट वहाँ पे कुछ तो जा रहा भाई, ये तो ऊपर से टीचर और नीचे से ऊपर जा रहा, कोई रॉकेट से कुछ लग रहा है, यू और डाउन ही डाउन जा रहा भाई, ये पूरा ढलान है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे रोड ख़राब भी है, देख लो टर्न 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 देख लो टर्न भाई, और ये साल बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, अब कोई रोड नहीं लग रहा है, ऑन एंड ऑफ यही ऑफ रोड ऐसे ही सिचुएशन मिलेगा, फुल डाउन हिल में। भाई साहब धूप तो पूछो मत, इतनी भयंकर धूप लगी है, ज़्यादा ही मान गया धूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। बाइक को मैंने रख दिया यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, बाकी अपना सामान वामान फैला दिया, बट देर कोई कोई है लेकिन कोई ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ पर शेड में जा सकता, दिक्कत यही है, तो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड लेट्स सी करते कुछ। अपना सामान, अपना पानी, पानी भी लेते भाई,
अच्छी अच्छी डाल दी है एकदम मस्त बन रहा है अभी। ये कल ही रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तो मस्त मैरिनेट हो रखा हुआ। Sunrise is killing it. वैसे भी अभी अक्टूबर तो स्टार्ट हो ही गया तो हल्की हल्की सी हवा चलती है क्योंकि वैली से हवा होके आती है। वो जो दिख रहा है वैली वो पहाड़ है पूरा उस साइड पे तो वहाँ से पानी और हवा ऐसे बह के आती है। मच्छी ख़त्म कर लिया है अभी मेन कोर्स स्टार्ट करते हैं। अब पास्ता बनाएंगे आज रेडी है। ये उबलता है तब तक थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। चलो पास्ते के लिए पानी डाल दिया है ये अब उबलता रहेगा तब तक हम थोड़ा सब्जी वब्जी देख लेते हैं। लो भाई पानी उबल गया पास्ता डाल देते अब। चुका बस मेन चिकन को पकना था चिकन पक चुका है। Thank you.
एकदम बढ़िया हो गया। बस गर्मा गर्म पास्ता रेडी है, खा लेते हैं इसको। हाँ दम चालू करेंगे। ओके डोकी भाई, फाइनली बन चुका है। बड़े दिन मैगी। थोड़ा नदी किनारे बैठ के भी खाया जाए। आज के लिए इतना ही ब्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टाटा, बाय बाय।